जिला स्तरीय आदिवासी बारेला समाज उत्थान समिति की बैठक संपन्न। राज्यसभा सांसद रहे मौजूद। आदिवासी बारेला समाज उत्थान समिति के भवन निर्माण समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए जिला स्तरीय बैठक बड़वानी में पाटी नाका स्थित रामकुलेश्वर मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी बारेला समाज के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमरे सिंह सोलंकी भी सपत्नीक शामिल हुए। यहां पर उन्होंने भवन निर्माण के 25 लाख रुपए की घोषणा कर स्वीकृति पत्र कार्यकारिणी को सौंपी। बैठक का उद्देश्य जिला स्तर पर समाज का भव्य भवन निर्माण के लिए विशेष चर्चा की गई। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। श्रीमती संगीता बरड़े ने समिति के संरक्षक और जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों का परिचय कराया। समाज उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष ने उपस्थितजनों को भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित को लेकर शासन द्वारा की जा रही प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री विक्रम चौहान ने भूमि आवंटन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से पत्राचार के माध्यम से भवन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, बहुत जल्द भूमि समिति को मिल जाएगी। श्री तेर सिंह डुडवे ने समिति के उद्देश्यों और समिति को संचालन के लिए बनाए गए नियमावली का वाचन किया गया। डॉक्टर रविंद्र बर्डे ने बताया कि समिति को भव्य भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की दान राशि प्राप्त हुई। श्रीमती अश्विनी निक्कू चौहान ने समिति को 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रविंद्र बर्डे ने किया और आभार श्री चेतन पटेल ने माना। कार्यक्रम में 300 से अधिक समाज जन एकत्रित हुए। क्या परिचय? मेरा नाम श्रीमती संगीता रविंद्र बर्डे है। मैं आदिवासी बारेला समाज उत्थान समिति की महासचिव हूँ। आज हमारी आदिवासी बारेला समाज उत्थान समिति की जिला स्तरीय एक साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे आदिवासी बारेला समाज के भवन निर्माण संबंधी यह बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी के सुझाव आमंत्रित थे और हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे आदिवासी बारेला समाज उत्थान समिति के भवन को बनाने में अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान करेंगे। और हमारे समाज के बहुत से साथीगण और हमारे युवा साथी और हमारी नारी शक्ति बहनें ये सभी उपस्थित हुई थी, जिनका अपनी ओर से तन मन धन से आदिवासी बारेला समाज समिति का ये भवन का निर्माण करने का सभी ने अपनी ओर सहयोग देने का विश्वास दिया है, समर्थन दिया है। जी, मेरा नाम विक्रम चौहान है, बारेला समाज संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे बारेला समाज संगठन की जिले की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित हुए थे। हमारे सांसद महोदय राज्यसभा के सुमेर सिंह सोलंकी जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाभी अश्विनी चौहान जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य गीता चौहान जी, वर्मा सोलंकी जी, हमारे विभिन्न विभागों में जो हमारे पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हमारे समाज के और हमारे समाज जन के विभिन्न व्यक्ति उपस्थित हुए थे। और आज के बैठक में मुख्य जो हमारा मुद्दा था वो समाज के लिए, पूरा बड़वानी जिले में हमारे समाज जो सबसे बड़ा समाज है लेकिन एक भी भवन या धर्मशाला नहीं है, तो एक विशाल धर्मशाला, एक बड़ी धर्मशाला इस समाज के लिए बनाई जाए, इसके लिए एक बैठक हमने रखी। सभी भाइयों और बहनों ने मिलकर आज यहाँ एक बेहतरीन संकल्प ये लिया है कि एक भव्य और दिव्य भवन बड़वानी मुख्यालय पर बनेगा, जिसका नाम होगा आदिवासी बारेला समाज मांगलिक भवन, और ये भवन अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इन सब बातों को लेकर ये मीटिंग आज रामकुलेश्वर मंदिर परिसर में हुई है, जिला मुख्यालय पर। इसमें बड़वानी जिले सहित बारेला समाज के अन्य जिलों के लोग भी उपस्थित हुए हैं, और मैं पुनः सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं, और हमारा भविष्य, समाज का भविष्य बेहतर निर्मित हो, इसी संकल्प के साथ हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, समाज के मांगलिक भवन के लिए मेरे सांसद क्षेत्र विकास निधि से 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं मैंने, जिसका स्वीकृति पत्र हमारे समाज के अध्यक्ष श्री पोपटलाल चौहान जी को और कार्यकारिणी को सौंपा है। ये 25 लाख रुपए का जो भवन है उसकी निर्माण एजेंसी नगर परिषद बड़वानी होगी, और नगर परिषद बड़वानी के माध्यम से ये मांगलिक भवन आदिवासी बारेला समाज का बनेगा। उसमें समाज अपने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को, सांस्कृतिक गतिविधियों को और विभिन्न समस्याओं को लेकर सामाजिक चिंतन करेगा, लेकिन ये मांगलिक भवन समाज के अलावा अगर किसी और समाज को जरूरत पड़ेगा तो हम उस समाज को भी इसका उपयोग करने की अनुमति हमारा समाज की, हमारी कार्यकारिणी देगी।